ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬੇਬੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਗਨਾਰ ਲੈ ਲਿਓ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਬਰ ਜਾਂ ਓਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ। आज मेरा न्यूज़ पढ़ने का मूड नहीं था, बट चलो वैसे ही पढ़ देते हैं। अच्छा, आज तो 8 जून है। आज तो काफ़ी जगहों पे जो कंटेनमेंट जोन में नहीं आते वहाँ तो शॉपिंग मॉल्स खुलने थे और कुछ कुछ दुकानें वगैरह खुलनी थी ना आज। अच्छा, एक न्यूज़ मैंने देखी थी, वो मैंने सेव नहीं करी, शायद लखनऊ की न्यूज़ थी कि वहाँ पे एक शॉपिंग मॉल खुलना है, लेकिन मॉल तो खुल जाएगा लेकिन उसके अंदर की दुकानें नहीं खुलेंगी। कोई सेंस लग रही है इस बात की? मुझे भी नहीं लग रही। एक और न्यूज़ अभी ताज़ी आई है, ट्रेमर्स फेल्ट अक्रॉस दिल्ली NCR आफ्टर 2.1 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक हिट्स गुरुग्राम। मतलब भूकंप तो आजकल ऐसे आ रहे हैं जैसे हिचकी। एक न्यूज़ और देखी मैंने सुबह टीवी पे, जो हमारे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल, उनको भी कुछ कुछ सिम्टम्स तो आ रहे हैं कोरोना के, इसलिए उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर दिया घर पे डॉक्टर्स के कहने पे, और मे बी कल उनका टेस्ट होगा। तो आई होप ही गेट्स वेल सून एंड यार सेफ रहो, घर पे रहो। खुल गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि घूमो बाहर, लेकिन मेरे को आज जाना है बाहर, छोटा सा काम है बिल्कुल, मतलब आधा चुटकी, तो उसके लिए मैं जाऊंगा एक बारी बाहर, बट मैं गाड़ी से बाहर नहीं निकलूंगा, मतलब काम ऐसा है कि वो गाड़ी में बैठे बैठे हो जाएगा। मैं कह रहा था लास्ट व्लॉग की एंडिंग करके आपको कैसा लगा, कैसा फील हुआ? अच्छा लगा, लोग हंसे किसी ने कमेंट कराया किसी ने कमेंट कराया कि लास्ट व्लॉग की एंडिंग मम्मी ने ऐसे करी जैसे गुरुद्वारे में अरदास के बाद अनाउंसमेंट नहीं होती। सारे संगत तो रिक्वेस्ट है कि वीडियो में लाइक करके जाना, शेयर करके जाना। याद आ गया यार, बहुत ही ज्यादा धूप है भाई साहब, हद से ज्यादा धूप रखी है। बंदा निकलेगा भी क्या घर से बाहर, ओखा सोखा। विकासपुरी में अच्छा खासा भर गया भैया, ठेके नहीं खुले हैं अभी तक, ठेके अभी सारे नहीं खुले हैं, हौले हौले करके खुलेंगे। अभी 70% जो है वो बढ़ा रखी है ना ड्यूटी उस पे, जैसे ही वो अभी मेरे ख्याल 10 जून को कम हो जानी है फिर खुलेंगे ठेके। कुड़ी कहंदी बेबी पहला वैगनार ले लियो फिर उन्हें उबर या ओला दे विच पा लियो क्योंकि प्यार तो तुहानू मिलना नहीं। हाँ जी, अज असी तुहानू दसांगे कि डिफरेंट टाइप दे बंदे होन दा किस तरीके नाल इस्तेमाल करदे ने। तो सब तो पहला आंदे ने अंग्रेज। Oh my god, I'm really sorry bro. I didn't mean to offend you. I was just checking if my horn is working or not. I'm really sorry bro. I just love you. I still love you. Okay. I'm really sorry bro. ਹੁਣ ਆਂਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸੀ ਬੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ। देसी तो भी देसी बंदे जब तुसी पहुंच दे तिलक नगर, हुण इत्थे ना हॉर्न काम नहीं आंदा, इत्थे काम आंदी ने फीलिंग्स। ओ हां, आजा तू भी बिच बढ़ जा, आजा बैठ जा बोनट ते बैठ जा, तेनू छड़ावा पटिंडे भैण, पता नहीं अखां आई के बटन है पट्टी बंद के निकलदा ना सड़कां ते। हां तू भी आजा बिच बैठ जा, आजा तेनू छड़ावा भैण। तिलक नगर क्रॉस करन तो बाद तुहाडे गले दी वज जांदी है, हुण हो गया साडा काम ते असीं भी चलिए घर। ये टिश्यू पेपर, डो इन क्रीम, कुछ डोमिनोज के भी पड़े होते हैं तो ऐसे ही ऑर्गेनोज भी पड़े होंगे, मिडिल क्लास। तो ये मेरी गाड़ी की डिस्क पे ना सारा जंग लग रहा था, मतलब दिखाता हूँ कैसे, ऐसे जैसे इस पे जंग लगा हुआ ना, क्योंकि काफ़ी देर तक गाड़ी खड़ी हुई थी तो इस वजह से जंग लग रहा था। तो मैं राउंड मार के आया ना तो उसकी वजह से ये भी साफ़ हो गया, तो मतलब राउंड मारते रहना पड़ेगा, खड़ी नहीं कर सकते गाड़ी। बाल झड़ने लग गए आपके भी, बुढ़े हो गए। एक ना बंदा गया डॉक्टर के पास, कह रहा डॉक्टर साहब मेरे बाल झड़ रहे हैं क्या करूं? कह रहे बाल किसी टेंशन की वजह से झड़ते हैं, आपको कोई टेंशन है? कहता हाँ है। कह रहा क्या टेंशन है? कह रहा बाल झड़ने की। आज टेबल वगैरह नहीं साफ किए? रोज थोड़ी करूंगा, व्लॉग के लिए करता हूँ, एक बार ही कर दिया, रोज रोज थोड़ी करना। ये तो गलत बात है। देख लो व्लॉग के चक्कर में आपका काम हो रहा है घर का, ये देख लो आप। नहीं साफ हुआ, शीशा नहीं साफ हुआ, बस एक दिन कर लिया तुमने स्टोरी डालने के लिए, ऐसे थोड़े होता है। आज सब्जी तू बनाएगा? सब्जी मैं बनाऊंगा? भूखे सो जाना फिर आज सारे। क्यों
रोटी रोटी बना देना, पानी में डुबो डुबो के खाएंगे आज रोटी। यार भी बढ़िया सी सब्जी खिला। बढ़िया सी जैसे क्या? कुछ भी जैसे बढ़िया सा बना के। बढ़िया सा क्या होता है पहले मेरे को ये बताओ। मेरे को पता होता तो मैं आपके अकॉर्डिंग बढ़िया होते हैं टिंडे तोरी करेले जो आप बना देते हो, और मेरे अकॉर्डिंग जो चीज होती है वो खर्चे वाली चीज है। वो कोई बात नहीं, सारे भूखे सोएंगे घर पे। रोटी बनाना थक गए, पिज्जे बनाओ। एक किसी वीडियो में आपको गार्लिक ब्रेड बनाना सिखाएंगे, है ना? मैं तो एक तोरियां बनाने लगी। खा लेंगे भैया जो खाना होगा। गला थोड़ा सा बैठ गया। गला ठंडा नहीं, ठंडे पानी से नहीं। आज लोगों को बाहर अपनी फीलिंग सुना के आया ना गाड़ी में, इसलिए तो देखना ब्लॉग में देखना। ये देखो, ये पता क्या है? मम्मी बताओगे क्या है? ये जो आप वो खाने के लिए मंगाते थे उसके साथ सैनिटाइजर आता था, ये वो। ये इज्जत होती थी सैनिटाइजर की। मतलब मैं वो एक जनकपुरी में एक आउटलेट है मसल फूड, वहाँ से मैं जब जिम जाता था तो खाना मंगाता था, तो डेली मतलब एक एक उसमें मेरे को डेली का ये एक एक साशे मिलता था उस टाइम हाथ साफ करने के लिए। और ऐसी पड़ी यार ये मम्मी फूल क्यों गए हैं इसके अंदर कुछ, मतलब ये कहते तो नहीं गाड़ी में पड़े रहे थे? है इसमें बट इतना पैकेट फूल क्यों गया? तो जेल टाइप होता है इसमें सैनिटाइजर, जो कुछ नहीं है। ये देखो ये है ना, ठीक इसमें जेल जेल लग रही है, बाकी सारे फूले हुए हैं। पता नहीं ये खाली लग रहा है, ये खाली लग रहा है लेकिन इसमें है, इसमें जेल है ना, यूज़ ही नहीं करे। अब सैनिटाइजर की कीमत देखो कितनी बढ़ गई है। कुछ उड़ गया, उड़ गया भाई खाली। हाँ इसमें निकालो, ऐसे करके निकालो बाहर। नहीं है ही नहीं खाली। ये देखो है ना, है जेल है ना ये। अच्छा, ये जेल है ना, है तो सही है, इसमें है। ये देखो कितना सारा तो निकला है। हाँ, एक हाथ धोने के लिए तो होता है ये बस। ये देखो मैंने एक न्यूज़ भी देखी थी कि वो सैनिटाइजर गाड़ी में पड़ा हुआ था तो आग लग गई थी ना, पूरा पिघल गया था प्लास्टिक। भाई बहुत रिस्की है, जैसी मैंने वो न्यूज़ देखी फिर मेरे को ध्यान आया कि अपनी गाड़ी में भी पड़े हुए हैं बहुत सारे सैनिटाइजर। सारे ये पड़े हुए थे डैशबोर्ड के अंदर, मैंने निकाले नहीं है, ये सारे उड़ गए हैं। इसका मतलब धूप की वजह से ना उड़ गए हैं। सब्जी ये वाली, ये सब्जी है? क्या कहते हैं इसको? नहीं मेरे को नहीं पता क्या कहते हैं। क्या ककड़ी टाइप लग रही है ये तो? नहीं ककड़ी ऐसी थोड़ी होती है। यही खिलाने वाली हूँ। ये है क्या पहले मेरे को ये बताओ, मेरे को तो शक्ल ही नहीं अच्छी लग रही इसकी। रात को यही खिलाने वाली हूँ। है क्या पहले नाम तो बताओ इसका। तोरी। तोरी ऐसी दिखती है ना, ये बनने के बाद अच्छी लगती है ना ये बिना बने अच्छी लगती है। ये तो मैं कतई नहीं खाऊंगा। बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है हरी सब्जी। तो फिर गिफ्ट कर दो, लुधियाने भेज दो। हाँ तो खाते हैं सारे खुश होके ये। हाँ तो फिर मैं अभी उसको कराया था कोरियर, लुधियाने भेजो। करण तो फोटो डालता है इसकी जब उसकी मम्मी सब्जी बना के भेजती है। तो मैं तो वीडियो डाल रहा हूँ, तो सिर्फ फोटो डालता है, मैं तो वीडियो डाल रहा हूँ। तो गए शाम के बज चुके हैं 7:30। अब तक मेरे को व्लॉग अपलोड कर देना चाहिए था, अभी तक तो मैं शूट ही कर रहा हूँ। बट कोई नहीं, मैं साथ साथ एडिट करने भी बैठ गया हूँ और जल्दी से मैं ये व्लॉग निकाल रहा हूँ, तो आप लोग फटाफट से देख लेना। और मैं कुछ और अचीवमेंट शेयर कर दूँ आपके साथ इस चैनल के बारे में। तो हमने कम्प्लीट कर लिए हैं, कितने कर लिए? 25,000 सब्सक्राइबर कम्प्लीट कर लिए हैं इस चैनल पर। वाह, और 3,00,000 व्यूज़ हो चुके हैं। इससे पहले 1,00,000 व्यूज़ मैंने अनाउंस करे थे, 3,00,000 व्यूज़ हो चुके हैं। और इतना प्यार दे रहे हो यार तुम लोग, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मतलब दिल भरा है मेरा। तो जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर करके जाना, और जिसने ऑलरेडी कर रखा है वो दोबारा क्लिक मत करना भाई, अनसब्सक्राइब हो जाएगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और ऐसे ही ब्लॉग्स मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा, बहुत जल्दी दिल आता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, और आई लव यू ऑल, दिल से थैंक यू भाई। बहुत अच्छा लगता है भाई जब आप लाइक करते हो, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू भाई।